जानकी जी ने पूछा कि माँ एक पतिव्रता नारी के कर्तव्य क्या होते हैं, उसे किस प्रकार अपने परिवार का अपने स्वामी का कर्तव्य निभाना चाहिए, किस प्रकार उस मार्ग में चलना चाहिए, आप मुझे उपदेश करें। तब जगत प्रसिद्ध ये अनुसुईया जी का और जानकी जी का ये प्रकरण सदैव नारियों को पतिव्रता धर्म के पथ पर मार्ग पर चलने का अनुसरण करने की बात बताता है। महाराज यहाँ पर अनुसुईया जी ने सुंदर स्त्रियों के चार प्रकार के स्वरूपों का वर्णन बताया है कि चार प्रकार की नारियां समाज में पाई जाती है। महाराज उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो हे जानकी, पहली नारी वही है जिसका स्वभाव उत्तम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि अपने पति के अलावा वो किसी भी पराये पुरुष को न देखे, सिर्फ एक स्वामी ही उसे अपना दिखे। जिस प्रकार मीराबाई जी जब ब्रज धाम पहुंचती है ना महाराज, तो एक संत उनसे कहते हैं कि मैं नारियों के दर्शन नहीं करता, स्त्रियों के दर्शन नहीं करता, और स्त्रियों के यदि दर्शन हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, मेरा वैराग समाप्त हो जाएगा। तो मीराबाई जी गई और बड़ी उलाहना देकर के कहा कि महाराज आज पहली बार पुरुष से भेंट हुई है, किसी और पुरुष से भेंट हुई है। हम तो यही जानते हैं कि जगत में एक ही पुरुष है गोविंद, इस ब्रज में एक ही पुरुष है गोविंद और बाकी सब नारियां हैं, लेकिन आज पहली बार किसी और पुरुष से हमारी भेंट हुई है। तो उत्तम नारी के लक्षण वही है महाराज जो अपने पति के अलावा किसी और को बिल्कुल ना देखे, सपने में भी उसके बारे में ना सोचे। मध्यम नारी कौन है जो हर पुरुष में अपने स्वामी को छोड़ करके अपने पति को छोड़ करके हर पुरुष को पिता भाई या पुत्र के समान समझे। और तीसरी नारी वह है महाराज कि जिसका मन एक बार विकृत तो बनता है, विचलित तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने धर्म और कुल की परंपरा के लिए जो सदैव अपने आप को रोक करके रखती है। और चौथी नारी वो है देवी जो कुमार्ग पर तो निकल जाती है, चल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे किसी के विचार, किसी की भावनाएं रोक लेती हैं, कुल की मर्यादा रोक लेती है और रुक जाती। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है उत्तम और वो मध्यम नारी जिनके मन में सपने में भी पराये पुरुष के प्रति विचार ना आए अपने स्वामी को छोड़ करके। अनुसुईया जी कहती हैं कि नारी को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पतिव्रत धर्म का निर्वाह करते हुए अपने पति के आदेशों पर चलते हुए अपने पति का साथ देते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। यही एक नारी का, एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। और पति पत्नी के बीच संबंध कैसे होने चाहिए महाराज, बिनु शम नारी परम गति लहाई, बिनु शम नारी परम गति लहाई, बिनु शम नारी परम गति लहाई, बिनु शम नारी परम गति लहाई। पति व्रत धर्म
पति व्रत धरम सर्वश्रेष्ठ है जो अपने पति के कदमों पर चलते हुए उसके वचनों का पालन करे। और संबंध कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, जहाँ पर अपेक्षाएं हैं, जहाँ पर आकांक्षाएं हैं, वहाँ ही संबंधों में दरार आती है। महाराज कहीं पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी, तो कभी कभी कहते हैं ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मन की भी दो परिस्थितियां, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। भावनाओं की भी दो परिस्थितियां, एक विचार की एक निर्विचार की। तो महाराज हर चीज का दो पहलू है। उसी प्रकार हमारे पास जो वस्तुएं हैं ना, सुविधाएं हैं, इनके भी दो महत्व हैं, दो पहलू हैं। एक से गुण आता है, एक से अवगुण आता है। अब हमें स्वीकार करना है कि हम किसे उठाते हैं, गुण को या अवगुण को। तो जीव की स्थिति स्वयं जीव ने बिगाड़ रखी है। यदि आप किसी संत के पास समस्या लेकर के जाते हो, किसी ब्राह्मण के पास अपनी समस्या बताते हो, अपने गुरु के पास समस्या बताते हो, तो आपका यदि गुरु कहे, आप कहते हो कि मेरा पति शराब बहुत पीता है, तो आप अपने पति की समस्या लेकर के गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आप किसी संत के पास जा रहे हो अपनी समस्या लेकर के कि महाराज मेरा स्वामी, मेरा पति शराब बहुत पीता है, उसका शराब छुड़ा दो। तो महाराज कहेंगे कि ऐसा ऐसा करो, इसकी आराधना करो, ऐसा पूजन करो, ऐसा जाप करो, तो हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई पहले पक्ष की। अब दूसरे पक्ष की यदि देखें तो आप कहोगे कि मेरा पति बिल्कुल नशा नहीं करता है महाराज, पूजा पाठ में लगा रहता है। तो कुछ लोग होते हैं नास्तिक, तो कहते हैं ज्यादा पूजा पाठ ना करें, कुछ ऐसा बता दो। तो महाराज यदि कह दें कि अपने पति को कह दो कि शराब पीने लगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली जो परिस्थिति महाराज ने बताई कि शराब छुड़ाने की परिस्थिति क्या है कि भगवान की माला जपो, तो हम वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति महाराज ने कह दी तो हम वो जरूर कर लेंगे। अर्थात हम गुड़ नहीं उठाते, अब गुड़ पहले उठा लेते हैं। इसलिए बुराई हमारे अंदर है, विकृति हमारे अंदर है। तो कहीं पर बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि मान लो आप मार्ग से जा रहे हो, संग में आपकी संगनी है, दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, तो आपकी कोई वस्तु गिर गई, आपका रुमाल ही गिर गया, पैसा ही गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो आपकी पत्नी ने उसे आपको उठा करके दे दिया, या आपके पति ने आपको उठा करके दे दिया, तो क्या आप उसे धन्यवाद देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा है, हमारी उससे आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये देगा ही देगा, और इसने दिया है तो हम धन्यवाद क्यों करें? घर का सदस्य है, परिवार का। लेकिन वही रुमाल, वही धन कोई और उठा करके दे दे, तो उसे तुरंत कहोगे ना कि धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी, तुरंत कहोगे ना, क्योंकि उससे हमारी आकांक्षाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं है। इसलिए जहां पर आकांक्षाएं आ गई, अपेक्षाएं आ गई, वही दुख का कारण बन गया, वही संबंधों के बिगड़ने का कारण बन गया, वही पति पत्नी में दरार बन गया महाराज।
एक दूसरे से सामंजस्य ना बैठना ही पति पत्नी के रिश्तों में दरार लाना है। अब पति ने बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं ब्याह से पहले कि मेरी पत्नी आएगी तो मेरे हिसाब से चलेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन आई तो अब चल ना रही, तो लोगों के सामने नाक कट गई ये महसूस कर रहे हैं, इसलिए होने लगे झगड़े। अब धर्म पत्नी ने भी अपनी सखियों से बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी, अब उस अनुसार मन के अनुसार जब कोई नहीं मिला तो यहीं पर दरार आना आरंभ हो गया। इसलिए कहा ना, पांच उंगलियां हथेलियों की समान नहीं है, फिर संसार में हर जीव के गुण कैसे समान हो सकते हैं, हर एक की बुद्धि कैसे समान हो सकती है, नहीं हो सकती ना, हर एक को प्रभु ने अलग सांचे में ढला है। इसलिए क्या समान हो सकते हैं सभी? नहीं हो सकते, सबकी बुद्धियां अलग है, सबके गुण अलग हैं। तो आप यदि सोचोगे कि सामने वाला जो करता है वही मैं करूं, उसके संस्कारों पर चलूं, तो मतलब आपने अपने माता पिता के अपने परिवार के दिए संस्कारों को किनारे कर दिया और आप दूसरे के गुड़ को उठा रहे हो, दूसरे की कॉपी कर रहे हो, नकल कर रहे हो। तो कॉपी करने वाले की स्थिति क्या होती है कि वो पिंजरे का पंछी बन जाता है और फिर जीवन भर गाता रहता है कि पिंजरे के पंछी रे रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए महाराज। इसी प्रकार रिश्तों में दरार आती है, हम दूसरे की नकल करना चाहते, दूसरे की कॉपी करना चाहते, अब गुणों को हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किसी में अच्छे गुण हैं क्या कभी स्वीकार किया आपने? सत्संग कहता है, ये कथा कहती है कि संतों ने बहुत संग करवाया, आपको बहुत सत्संग करवाया, लेकिन कभी गुण उठाया आपने? कि हमने कहा नाम जप का संकल्प कर लो, किसी ने लिया अभी तक संकल्प? किसी ने किया यहाँ से संकल्प? नहीं किया।